दोस्तों, जो हम अपने बिजली के कनेक्शन को सरेंडर करने के लिए यानी उसे परमानेंट डिसकनेक्शन कराने के लिए आवेदन करते हैं, तो आवेदन के फॉर्म में हमें रीजन ऑफ सरेंडर द कनेक्शन या कनेक्शन बंद कराने के कारण के बारे में भी ही उल्लेख करना होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, वो कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं जो होने पर आप अपनी बिजली के कनेक्शन को सरेंडर कर सकते हैं यानी अपना कनेक्शन बंद करा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वरुण स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल VRN इलेक्ट्रिसिटी नॉलेज पे। तो फ्रेंड्स, बिजली के कनेक्शन को बंद कराने के लिए मुख्य मुख्य रूप से जो कारण होते हैं उसमें से पहला कारण होता है डेथ ऑफ रजिस्टर्ड कंज्यूमर, यानी जिस कंज्यूमर के नाम पर बिजली का कनेक्शन है ऑफिशियली रूप से, अगर उस कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो आप उस कनेक्शन को बंद कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण रीजन होता है। अगला जो कारण होता है वो होता है रिन्यूएशन ऑफ द बिल्डिंग, यानी आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं यदि उसको पुनर्निर्माण कराना है तो भी आप उस कनेक्शन को बंद कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो मुख्य कारण है वो हो सकता है शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, यानी जिस स्थान पर हम रह रहे हैं अगर हम उस स्थान को शिफ्ट कर रहे हैं तो यह एक बिजली कनेक्शन को बंद कराने के लिए उस स्थान का यह मुख्य कारण हो सकता है। यानी शिफ्टिंग, अगर हम अपने निवास स्थान को बदल रहे हैं तो यह एक मुख्य कारण होगा उस निवास स्थान के बिजली के कनेक्शन को बंद कराने के लिए। हम फॉर्म में इस कारण को हम दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम कहीं भी अगर नया मकान ले रहे हैं तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उस मकान पे यानी जो प्रॉपर्टी है उसके बिजली के बिल को पूरी तरह से पेड कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया है। अक्सर कई सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर हैं कमेंट करते हैं कि फिर हमने नया मकान ले लिया है और उसकी बिल पूरी तरह से पेड नहीं है और हमको नोटिस आ गया है, ऐसे कंडीशन में आपको आप फंस सकते हैं। तो इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए, नई प्रॉपर्टी या मकान लेते समय इस बात का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगला जो मुख्य कारण हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन, यदि उपभोक्ता वित्तीय रूप से यानी फाइनेंशियल रूप से बिल भरने में सक्षम नहीं है तो यह कारण दिखाकर भी वह अपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को सरेंडर कर सकता है यानी बंद करने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद जो अगला कंडीशन होता है वो होता है ट्रांसफर ऑफ सर्विस, यदि सर्विस का ट्रांसफर हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो भी उपभोक्ता अपने कनेक्शन को बंद कराने के लिए बिजली विभाग में आवेदन दे सकता है। इसके बाद जो अगला कारण होता है वो हो सकता है क्लोजर ऑफ बिजनेस, यानी आपने अगर कोई बिजनेस किया है और वो बिजनेस आप बंद कर रहे हैं यानी उस चीज को आप बंद कर रहे हैं तो इस कंडीशन में भी आप अपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को सरेंडर कर सकते हैं, बंद करा सकते हैं। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को पीडी कराना यानी परमानेंट डिसकनेक्ट करना या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन किस तरह से सरेंडर किया जाता है, इसके लिए हमने चैनल पर एक वीडियो पहले से बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में आप देख के पीडी कराने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पीडी कराने के लिए आपको अपना बिल जमा करने के साथ ही साथ पीडी रसीद कटवानी होती है। पीडी रसीद भरवाने के बाद आगे कई सारा प्रोसेस होता है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड यूजफुल और जरूरी जानकारियां आसान भाषा में हम उपलब्ध कराते रहते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही आपको सभी हमारे सब्सक्राइबर को और हमारे सभी व्यूअर को हम नए साल की बधाई देना चाहते हैं। आप सभी को ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू।